नमस्कार हफ्ते की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है जम्मू कश्मीर में राजनीतिक हलचल फिर से बढ़ गई है भाजपा और पीडीपी की जो गठबंधन सरकार थी वो गिर चुकी है और राज्यपाल का शासन वहां पे लगा दिया गया है सरकार के गिरने के बाद ही जो तथाकथित ऑपरेशंस थे टेररिज्म के अगेंस्ट वो फिर से रिज्यूम हो चुके हैं और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए एक बार फिर उर्मिलेश हमारे साथ मौजूद है उर्मिलेश न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है कल एक एनकाउंटर का सीरीज होता है कश्मीर में चार टेररिस्ट मारे जाते हैं सिविलियंस की भी डेथ होती है सरकार गिर चुकी है और एक तरीके से जो वहाँ जो ये राजनीतिक वैक्यूम था उसको सेंटर ने गवर्नर रूल के जरिए ऑक्यूपाई कर लिया है कश्मीर को अगर देखा जाए तो भाजपा का जो एजेंडा है वो क्या है क्योंकि अमित शाह आज वहाँ पर रैली भी कर रहे हैं देखिए मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में जब सरकार थी और आज जब सरकार नहीं है तब में कोई बहुत गुणात्मक फ़र्क नहीं है क्योंकि जो सरकार थी बीजेपी और पीडीपी की उसने भी कश्मीर में आ, जो वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं उनको पॉलिटिकली वो नहीं देख रहे थे आ, जो एक नज़रिया है राजनीतिक नज़रिया कश्मीर को देखने का वो नज़रिया सरकार के पास नहीं था डिस्पाइट ऑफ कि चीफ़ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती थी और जो कश्मीरी हैं और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की पुत्री हैं जो बार बार कहते थे कि, कि कश्मीर जो है पॉलिटिकल समस्या है तो जो एक सैन्यवादी दृष्टिकोण से कश्मीर को देखने का नज़रिया आज है वही मुफ्ती मोहम्मद सॉरी महबूबा मुफ्ती की जो अगुवाई वाली सरकार थी उसका भी था और कमोबेश मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार का भी था तो ये अजीब पैराडॉक्स है कि जो गवर्नेंस का एजेंडा इन लोगों ने बनाया था सरकार ने जब टेक ओवर किया था अगर उसको आप लाइन बाय लाइन पढ़िए तो अचरज होता है क्योंकि उसमें एक पॉलिटिकल नज़रिया है उसमें यह है कि हम कैसे बातचीत करेंगे कैसे हम समझौते और सुलह के ज़रिए कश्मीर समस्या को हल करेंगे उसमें 307 की बात नहीं है बल्कि ये स्पेशल स्टेटस को इंडोर्स किया गया है दोनों तरफ से यानी बीजेपी और पी दोनों तरफ से लेकिन गवर्नेंस के एजेंडा से बिल्कुल अलग हट कर ये सरकार काम कर रही थी तो आज जब गवर्नर रूल वहां है और सैन्यवादी नजरिया आपको बिल्कुल खुलेआम नंगे दिखाई नहीं चाहिए तो मुझे लगता है मस्कुलर उनकी भी सरकार चला रही थी कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं आया है। आ, अगर जो ये बयान जा रहे थे राजनाथ सिंह का हो चाहे आर्मी चीफ का हो अचानक से उन बयानों में परिवर्तन हो गया है जब सीज़ फायर वहाँ पर घोषित किया गया था तो शांति की बात की गई और सीज़ फायर उठते ही सरकार गिरती है और वहाँ पर गवर्नर रूल लगा दिया जाता है अगर क्या इसे 2019 के चुनावों से देखा जा सकता है क्योंकि अगर हम भाजपा के नए नैरेटिव ने, ने, को देखें तो ये पूरा नेशनलिज़्म का इशू और हिंदुत्व का जो इशू है वो फोरफ्रंट पे आ गया है जबकि कोर इश्यूज जो हैं वो कहीं बैकड्रॉप पे चले गए हैं कश्मीर को लेकर जो इस वक्त केंद्र की नीति है और जिसकी वजह से ये सारा सत्ता का परिवर्तन हुआ है दरअसल आपका सवाल बिल्कुल उसी को छूता है यही असल मसला है कश्मीर में महबूबा जी जब थी आ, और जब नहीं हैं तब आप सरकार की जो सोच है जैसा मैंने कहा कि नज़रिए में कोई फ़र्क नहीं है लेकिन एक ही फ़र्क है कि एक बीच में बफर का, का काम करने वाली एक सरकार थी अब सीधे केंद्र और कश्मीरी आवाम है और दरअसल इस पूरे कश्मीर के इलाके को इस वक्त जो है वो भारत के जो शेष हिस्से हैं खासकर उत्तर भारत खासकर हिंदी बेल्ट जहाँ पी जहाँ पर वि, विकास वगैरह के बारे में चीज़ों को गौर कर दिया गया है जहाँ पर लड़ाई भिड़ाई की बात होती है जहाँ जाति और संप्रदाय की बातें ज़्यादा होती हैं तो इस इलाके में कश्मीर को एक शेष भारत और बनाम कश्मीर बनाया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि इसको कैसे राष्ट्रवाद में और सैन्य राष्ट्रवाद में कैसे इसको तब्दील कर दिया जाए जिस तरह पहले पाकिस्तान आ, हमेशा दिखाया जाता था कि पाकिस्तान को हम नेस्तनाबूद कर देंगे या पाकिस्तान हमारा एक दुश्मन है और पाकिस्तान दरअसल इस तरह की सरकारों का हमेशा प्रिय दुश्मन रहा है मैं प्रिय दुश्मन क्यों कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान की बात अगर ये ना करें तो ये बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे इसलिए एक्सपोज हो जाएंगे कि इन्होंने हेल्थ के लिए काम नहीं किया सर जनता के इन्होंने शिक्षा के लिए काम नहीं किया इन्होंने सिंचाई के लिए काम नहीं किया इन्होंने खेती बारी के प्रोडक्शन के लिए काम नहीं किया किसी के लिए नहीं काम किया एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट किया तो पाकिस्तान जब भी हवा उड़ाया जाता रहा है चाहे जिस सरकार से कि पाकिस्तान 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 वो लड़ाई भिड़ाई की बातें एक प्रिय दुश्मन की बात है केवल हमेशा पाकिस्तान भारत के लिए और पाकिस्तानी हुक्मरानों के लिए भारत जो है हमेशा प्रिय दुश्मन रहा है ठीक उसी तरह से इस वक्त कश्मीर को प्रिय दुश्मन के तौर पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है एक ऐसा दुश्मन जो इन्हें बेहद पसंद है कि वो बना रहे वो वहाँ स्थितियाँ बदले ना राजनीतिक रूप से कोई प्रयोग न हो हमेशा मारकाट चलती रहे और इस तरह से सैन्यवादी राष्ट्रवाद का एक रूप जो है हिंदी क्षेत्र की जनता पर इम्पोज कर रहे हैं ताकि दो के चुनाव में अपनी तमाम विफलताओं को ये छुपा सकें और बता सकें कि कश्मीर जो है हमारा दुश्मन है ये केवल कश्मीर का इशू नहीं है क्योंकि अगर देखा जाए तो ये इस नैरेटिव को लेके ये नेशनलिज्म का ही नैरेटिव नहीं बना रहे ये हिंदू बना मुस्लिम का भी एक नैरेटिव जो है वो कश्मीर और जम्मू को भी डिवाइड करने के लिए वो लगातार भाजपा उसका यूज़ कर रहा है कठुआ रेप केस में हमने देखा कि किस तरीके से एक भाजपा के नेता भी उस रैली में पार्टिसिपेट करते हैं और ये पूरा एक दूसरे आवाम दूसरे कौम के खिलाफ एक लगातार ये जो है वो दुश्मनी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आप सही कह रहे हैं कि देखिए मैंने जब कहा सैन्य राष्ट्रवाद तो इसमें इसके साथ ही वो जो पहलू कम्युनलाइजेशन का है वो बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है इसमें कोई दो नहीं है कश्मीर को ये इस प्रकार पोज कर रहे हैं इस तरह उसको ले जा रहे हैं उसकी जो उसकी जो तस्वीर पेश कर रहे हैं पूरे के पूरे समाज में वो दरअसल हिंदू मुसलमान का जो डिवीज़न है जो एक डिवाइड है जो उसको ये बार बार खड़ा करते हैं वो उसी रूप में उसको चाहते हैं कि स्थापित किया जाए लोगों की नज़रों में जब से राष्ट्र गवर्नर रूल हुआ है जब से सरकार को वहाँ पर वो किया गया है ख़त्म किया गया है हालाँकि विधानसभा अभी भी सस्पेंडेड है उसको अभी अनिश्चितकाल के लिए रखना चाहते हैं ताकि पता नहीं दो के चुनाव के बाद क्या हो क्योंकि छः साल की विधानसभा वहाँ होती है भी तीन साल केवल बीता था, था तो तो उनको इनको ये लगता है हमेशा कि हम जो आ, जो जो, जो हिंदू पोलराइजेशन जिसे ये लोग कहते हैं कि हम तो राष्ट्रवाद के साथ उसको जब जोड़ेंगे तभी वो मजबूत होगा जब किसी इस्लामी खासकर मुस्लिम जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी में सबसे बड़ी कम्युनिटी है उसके खिलाफ जब खड़ा करेंगे और कश्मीर इनके लिए एक मनचा एक जरिया मिला है आर्टिकल 370 की अगर हम बात करें तो आरएसएस का लगातार स्टैंड रहा है कि इसको एबॉलिश कर देना चाहिए हालांकि भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पे वो नहीं कह पा रही है पर क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा एक नया नैरेटिव भाजपा वहां पे ड्रॉ कर रहा है अमित शाह आज रैली भी कर रहे हैं जम्मू को उन्होंने चुना इस रैली को करने के लिए वो भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर जो आर्टिकल थ्री को एबॉलिश करने के सबसे बड़ी वॉइस थे आर के अंदर तो क्या आर्टिकल 370 में भी एक खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है क्या ये चुनाव के पहले इसको फिर से यूज किया जाएगा देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और आर्टिकल 370 के बारे में मैं आपके दर्शकों को आ, अपने दर्शकों को आ, एक बहुत जरूरी सूचना भी देना चाहता हूँ देखिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जी जनसंघ के संस्थापक थे और नेहरू कैबिनेट के वो सदस्य भी थे जब भारत की संविधान सभा में आर्टिकल 370 को लेकर विमर्श चल रहा था बहुत लंबे समय तक विमर्श चला कई महीने तक बीच बीच में बहस होती थी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस आती थी लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी आर्टिकल 370 का विरोध उन्होंने नहीं किया था जिस वक्त भारत की संविधान सभा में 370 सेवेंटी एडॉप्ट की जा रही थी उस समय संविधान सभा में सिर्फ एक सदस्य ने विरोध किया था असहमति जताई थी और वो एक मुस्लिम सदस्य थे मैं उनका नाम इस समय बाई चांस बोल रहा हूं और उनकी भी आपत्ति ये थी कि देश के दूसरे हिस्सों के मुसलमानों को आखिर उनका क्या कसूर है कि उनको इस तरह के स्पेशल राइट नहीं मिल रहे हैं केवल कश्मीर को आप क्यों दे रहे हैं तो बहुत हल्का फुल्का लचर किस्म का था श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आर्टिकल 370 पर उस वक्त आपत्ति आप नहीं जताई थी ये लोग झूठा प्रचार करते हैं कि उन्होंने की थी और दरअसल ये भी कहते हैं कि कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा थ्री पर दिया था जबकि ये बिल्कुल झूठी बात है आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के इस्तीफे को देख लीजिए इस्तीफे के बाद उन्होंने जो बयान दिया था वो आर्काइव्स में है और तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके इतिहास में मौजूद हैं उन्होंने नेहरू लियाकत पैक्ट पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था प्रथमतः जो उनका मुद्दा था वो नेहरू लियाकत पैक्ट था और फिर गो हत्या वगैरह की बातें भी उन्होंने शुरू की थी उस वक्त गो गो वंश वगैरह की बातें लेकिन आर्टिकल 370 को उन्होंने मुद्दा तब बनाया जब जम्मू कश्मीर में वहाँ के लैंडलॉर्ड लॉबी ने वहाँ की जो व्यापार लॉबी है व्यापारी लॉबी उन लोगों ने जब लैंड रिफॉर्म्स वगैरह के जो इशू उठे थे उससे थोड़ा सा नाराज़ होकर के जब वो आंदोलन करने लगे थे आंदोलन की सुबुगित तेज हो गई थी तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आर्टिकल 370 के मुद्दे को उठाने के बाद वहाँ पर मार्च किया और वहाँ पर वो 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 जम्मू क्रॉस करके और कश्मीर वैली जाना चाहते थे और इसके बाद भी बात हुआ तो अब जो ये 370 370 बार बार करते हैं इस पर ही कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं इस पर झूठ बोलते रहे हैं अभी जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप 370 के प्रति कमिटेड थे तो गवर्नेंस का जब एजेंडा आपने बनाया मुफ्ती मोहम्मद मुझत सईद के साथ आपने उसमें कंप्रोमाइज़ किया है उसमें थ्री के एवोल्यूशन की बात नहीं की क्योंकि आप सरकार में आना चाहते थे आप सत्ता के हिस्सेदार बनना चाहते 제 सत्ता की मलाई आप चाहते थे आपको लगता था कि हम जम्मू में पोलराइज़ करेंगे और कश्मीर वैली में इनफिल्ट्रेट भी थोड़ा करें थोड़ा हम प्रवेश अपना अपना वहां पर राजनीतिक प्रवेश करेंगे तो वहां पर आपने 370 से कंप्रोमाइज कर लिया वहां क्यों कंप्रोमाइज किया आपने तो इसलिए इनकी पोजीशन 370 पर हमेशा जो है वेसिलेटिंग रही है ये कभी झूठ बोलते रहे हैं कभी कुछ करते रहे ये इस तरह का रहा है हमेशा जब पाकिस्तान की अगर हम बात सामने रखें अगर जम्मू कश्मीर का मुद्दा है तो एक लगातार एक आवाज़ें उठती रही हैं कि जितनी भी कंसर्न पार्टीज़ हैं उनको उनके साथ डायलॉग किया जाए उसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है पर पाकिस्तान को लेकर सरकार का जब नैरेटिव था दो में कि हम जब आएंगे तो पाकिस्तान शांत बैठ जाएगा और हम जो आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा कदम उठाएंगे जबकि हालात उसके बिल्कुल विपरीत हैं पाकिस्तान को लेके और डायलॉग को लेके आपको क्या लगता है भाजपा का जो अगला कदम है वो क्या होगा देखिए मैं समझता हूँ कि इनके पास न तो कश्मीर के बारे में कोई विजन है जैसा मैंने पहले भी कहा आपसे कि एक सुसंगत इनका स्टैंड नहीं है कंसिस्टेंट नहीं है ठीक है आर्टिकल 370 के खिलाफ ये बात करते हैं लेकिन ये इनको मालूम नहीं कि आर्टिकल 370 का क्या मतलब है इनकी इनको आर्टिकल 370 की हिस्टोरिसिटी नहीं मालूम है ये भी नहीं मालूम है कि भारत और कश्मीर के बीच वही थ्री सेवेंटी जो है लिंक है एक्सेसन का जो डॉक्यूमेंट है अगर आप उसको ठीक से पढ़ें तो उसमें दो प्रावधान ऐसे हैं जो उसको विशेष बनाते हैं एनी anyway, वे और ये भी हम जानते हैं कि 370 में बहुत सारा इरोजन हो चुका है उसका मतलब जो है इतना कम कर दिया गया है वो अलग एक प्रसंग है दूसरा जो पहलू जो आप पूछ रहे हैं पाकिस्तान देखिए पाकिस्तान और इंडिया इंडो पाकिस्तान जो रिलेशन है उसके बारे में भी इनके पास कोई विजन नहीं है इनकी पार्टी के जो नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री जो आज भी हैं अस्वस्थ हैं लेकिन उन्होंने एक विज़न दिखाने की कोशिश की और हम उनकी राय उनसे तमाम राजनीतिक असहमतियों के बावजूद वैचारिक तौर पे भी उन्होंने जो कुछ तो अच्छे प्रयास किए उनका स्वागत करते हैं और मैं मानता हूँ कि कश्मीर में उसका एक फ़ायदा मिला था क्योंकि पाकिस्तान से जब युद्ध विराम की स्थिति आई थी तो उससे हम स्वयं कश्मीर उन दिनों जाते रहे हैं मैंने स्वयं देखा कि ज़मीन पर उसका फ़र्क पड़ा था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आगे बढ़ाया उस इशू को तो हमें जो लगता है कि मौजूदा जो सरकार है वो वाजपेयी की इस तरह की जो कश्मीर नीति है या पाकिस्तान नीति है उसे भी नहीं फॉलो कर रही है बल्कि ये एट आर की लाइन है क्योंकि उसमें एक आ, मुझे लगता है कि गठबंधन का भी दबाव था वाजपेयी सरकार पर और भारत जैसा मुल्क जो स्वयं सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो एक तरह का गठबंधन है इस स्टेट्स को देख लीजिए कम्युनिटीज को देख लीजिए कास्ट को देख लीजिए रिलीजन को देख लीजिए यह एक विशाल गुलदस्ता है और ऐसे देश में अगर एक ही एक पार्टी को अगर बहुमत प्रचंड बहुमत मिलता है तो मुझे लगता है कि इस गुलदस्ते के बिखरने का पूरा डर होता है और वही आर एस के साथ हुआ है कि देखिए जब भी भारत में प्रचंड बहुमत की सरकारें आई हैं भारत की एकता को खतरा हुआ है और आज भी अगर देखिए प्रचंड बहुमत की सरकार है कैसे भारत को आप स्तर देखिए आप क्षेत्र के स्तर पर देखिए जाति के स्तर पर देख लीजिए समुदाय के स्तर पर देख लीजिए एक विभाजन की स्थिति पैदा हो गई है कश्मीर को लेकर पाकिस्त, इंडो पाकिस्तान रिलेशंस को लेकर भी इस सरकार का नजरिया यही है कि इन्होंने अतीत की गलतियों से सबक लेने के, के बजाय ये नई गलतियां कर रहे हैं जो ब्लेंडर्स हैं और मैं नहीं समझता कि इससे भारत की जनता की भलाई है उर्मेश जी ये आखिरी सवाल होगा कि जब 2014 के चुनाव प्रचार हो रहे थे और जैसे हमने बार बार कहा कि 370 के अलावा आतंकवाद और पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण मुद्दा था पाकिस्तान के बारे में तो हमने बात कर ली पर आतंकवादी गतिविधियों को अगर देखा जाए तो वो उस पर कोई लगाम नहीं लग पाई है और उल्टा जो कश्मीरी यूथ है इस तरीके से वो मार्जिनलाइज हो रहा है एलिनेट हो रहा है कि उसे फोर्स किया जा रहा है कि वो एक रेडिकलिज्म की तरफ बढ़े आपको लगता है ये गवर्नर रूल इसका कोई सोल्यूशन है मुझे लगता है बिल्कुल नहीं है ये दरअसल इनके दिमाग में जो गवर्नर रूल का आया है वो मैं बिल्कुल साफ साफ मुझे लगता है कि 2019 के चुनाव के लिए है और इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि अभी जो गवर्नर रूल में ये कर रहे हैं वो पहले भी कर रहे थे आप देखिए लगातार ऑपरेशंस चल रहे थे और इनके कार्यकाल में अगर देखा जाए मोदी जी के तो आतंकवाद बढ़ा है ये मैं नहीं कह रहा हूँ स्वयं उनके डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं स्वयं उनके आंकड़े कह रहे हैं गृह मंत्रालय के जो पहले कश्मीर पटरी पर आ चुका था वो पटरी से निकल गया है बाहर आ गया है ऐसी स्थिति में आ, मुझे जो लगता है कि आ, ये बीच में आपने याद होगा कि नोटबंदी जब लागू हुई थी तो इन्होंने कहा कि नोटबंदी का एक कश्मीर पर बड़ा जबरदस्त असर है कि आतंकवाद की कमर टूट गई पत्थरबाजी बंद हो गई जी हाँ पत्थरबाजी बंद हो गई लेकिन अब ये दुहाई दे रहे हैं कि पत्थरबाजी अब ये दुहाई दे रहे हैं कि आतंकवाद बढ़ गया था मुफ्ती महबूबा मुफ्ती उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी सरकार उनकी भी थी सरकार आधी आधे कैबिनेट मंत्री उनके स्पीकर उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर उनका इवन महबूबा मुफ्ती जो भी कर रही थी वो केंद्र के डायरेक्टिव पर सारा कुछ कर रही थी तो मुझे लगता है कि आ, आ, आतंकवाद के बारे में भी ये लगातार गल, गलत बयानी करते रहे झूठ बोलते रहे कि आतंकवाद ख़त्म हो गया आतंकवाद लगातार बढ़ा है और आतंकवाद सैन्य नज़रिए से मुझे नहीं लगता कि उसको ख़त्म किया जा सकता है दुनिया के इतिहास में जहाँ जहाँ सिर्फ सैन्य नज़रिए से आतंकवाद या इंसर्जेंसी को खत खत्म करने की कोशिश की गई है वो अस्थायी तौर पर टेम्परली कई जगह कमज़ोर हुआ है ख़त्म हुआ है लेकिन फिर रिवाइव हुआ है इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा जो निज़ाम है इसके पास इंसर्जेंसी मिलिटेंसी या आतंकवाद से लड़ने का कोई स्थाई फार्मूला नहीं है ये ये सिर्फ़ देश के जनता के दूसरे हिस्सों को बताने के लिए कि ये लड़ाई कर रहे हैं चूँकि पाकिस्तान के साथ लड़ाई फ़िलहाल नहीं हो रही है तो पाकिस्तान से संभावित लड़ाई या आशंकित लड़ाई जो भी आप कह लीजिए उसको ये कश्मीर की के की घाटी में लड़ना चाहते हैं सो so दैट कि यूपी बिहार मध्य प्रदेश और राजस्थान झारखंड की जनता को बता सकें कि हम लड़ रहे हैं हम 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 हम, हम, हम इससे हिंदुत्वीकरण का भी इनको फायदा होने का इनको लगता है कि तो राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद भी ये असल कहानी है शुक्रिया उमलेश और अगले हफ्ते एक बार नए मुद्दे के साथ हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे धन्यवाद न्यूज क्लिक देखने के लिए धन्यवाद